खंडवा शहर की पदम नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार शाम संजय नगर क्षेत्र में दबिश देकर दो युवकों को मोटरसाइकिल पर देसी मदिरा ले जाते हुए पकड़ा। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौर ने बताया कि सूचना के मुताबिक पुलिस ने घेराबंदी कर दो युवकों को पकड़ा है और इनके पास से 7 पेटी देशी मदिरा बरामद की, जो कि अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रही थी। सब इंस्पेक्टर प्रियंका तोमर ने दोनों आरोपियों सोनू और शुभम जायसवाल को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पकड़ी गई शराब एवं बाइक का बाजार मूल्य 75,000 रुपए बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह शराब क्षेत्र के पूर्व ठेकेदार की बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में अभी जांच कर रही है। बयान के आधार पर और आरोपी बनाए जा सकते हैं। आज थाना पदम नगर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि ये संजय नगर के पास से जो है अवैध शराब की तस्करी होने वाली है, तो इसमें हमने जो है मुखबिर सूचना पर सब इंस्पेक्टर प्रियंका तोमर है हमारे थाने से मुखबिर पुलिस के हम थे, तो कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है। इनका नाम सोनू है और एक शुभम जायसवाल है। इनसे 7 पेटी शराब पकड़ी है जिसका और वाहन भी जब्त करा है जिसकी कुल कीमत 75,000 रुपये।